राधा कृष्ण दास, आप लाइव मेंबरशिप डायरेक्टर हैं राधा रास बिहारी मंदिर में। आपका जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए क्या भाव है? हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के आचार्य है, फाउंडर, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। उसके अंदर ये भी एक है कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उन्होंने प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दिया, चालू कर दिया, और इस रथ यात्रा के माध्यम से हम हज़ारों लोगों को एकत्रित करते हैं। उसके अंदर ख़ास तौर पर मैं मेंबरशिप डायरेक्टर होने के चलते हमारे जो मेंबर्स है, लाइव मेंबर्स है, उनको ये सुविधा देते हैं, वो आए, दर्शन करे, नाचे गाए, कीर्तन भजन में भाग ले, भगवान को भोग लगाए और भगवान का दर्शन करे। क्योंकि जगन्नाथ जो है बड़े दयालु है और सारे विश्व में रथ यात्रा होती है। तो मुंबई में हम लोग जैसे आषाढ़ के या जून के महीने में रथ यात्रा होती है, उस समय हम रथ यात्रा ना करते हुए हम लोग जनवरी मार्च में हम रथ यात्रा करते हैं। इस अवसर का यही है कि हमारे जितने मेंबर्स है वो एकत्रित हो और यहाँ पर रथ यात्रा में भाग ले। वैसे हमारे तीन रथ निकलते हैं, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का, और ये तीनों रथ भव्य प्रकार से यात्रा होती है। इस यात्रा में हजारों लोग एकत्रित होते हैं और हज़ार लोगों के साथ में हम रथ खींच कर भगवान का रथ खींच के हम लाते हैं एक स्थान पर, वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर भजन कीर्तन प्रवचन और अन्य प्रोग्राम्स होता है और सारे मेंबर को हम आमंत्रित करते हैं वहाँ पर, और सभी मेंबर आकर इस अवसर का लाभ लेते हैं। प्रभुपाद जी का यही मकसद है कि हर एक व्यक्ति को इस कृष्ण भावना में जोड़ना है। तो कृष्ण भावना में जोड़ने के लिए ये माध्यम है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा जो है प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क से चालू कर दी, आज सारे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर रथ यात्रा ना होती हो। तो सभी जगह रथ यात्रा हो रही है और प्रभुपाद का कृपा से सारे विश्व के लोग इसमें प्रसाद और लेक्चर्स भजन में भाग लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और हम लोग इसमें ये करते हैं, जगन्नाथ जी का स्वागत करते हैं, जगन्नाथ को 56 भोग लगाते हैं और बड़े धामधूम के साथ में रथ यात्रा का प्रोग्राम्स होता है। हरे कृष्णा।